नमस्ते, मेरा नाम मासूम अग्रवाल है। आज मैं महिलाओं के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर देश के पास दो पंख होते हैं, पहला पुरुष तो दूसरी महिला। किसी भी देश की तरीके की उड़ान एक पंख से नहीं हो सकती, पर यह बड़े शर्म की बात है कि हमारे समाज में महिलाओं को दो अंदर कर देते हैं, उन्हें अपने अधिकारों और सपनों से दूर रखते हैं। मैं उन मानसिकता वाले लोगों से कहना चाहूंगी कि एक तरफ तो आपको रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान बड़े अच्छे लगते हैं, और वहीं दूसरी ओर अपनी घर की लक्ष्मीबाई को आप दबा कर रखते हैं। एक तरफ तो आपको लता मंगेशकर के गाने बड़े सुरीले लगते हैं, और वहीं दूसरी ओर अपनी घर की लड़कियां गीत संगीत पर रुचि रखे तो उसे डांट फटका कर उसके आत्मविश्वास गिरा देते हैं। महिलाएं हैं तो यह संसार है, इनके बिना कुछ संभव नहीं। आप कल्पना मात्र कीजिए कि अगर कल्पना ने अपनी कल्पनाओं की उड़ान ना भरी होती तो क्या आज हम महिलाओं के पास पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का खिताब होता? मिथाली राज, जिसने पूरे विश्व में दोहरे शतक का रिकॉर्ड बनाया। अरुणिया सिन्हा, एक पैर नकली होने के बावजूद भी एवरेस्ट पर चढ़ गई। सानिया मिर्जा, जिसकी शादी भले ही पाकिस्तान में हुई पर फिर भी आज वो अपने देश के लिए खेलती है। कितने नाम गिनाऊं मैं? सावित्रीबाई फुले, इंदिरा गांधी, बेचैनी कौल, किरण बेदी, सरला ठकरा, प्रियंका चोपड़ा, कितने नाम गिनाऊं मैं? लेखनी टूट जाएगी, कागज खत्म हो जाएंगे अगर मैं इनके बारे में लिखूं तो। महिलाएं कभी भी पुरुषों से न कम थी, कम है और न कम रहेंगी, ये मेरा अटूट विश्वास है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप हम महिलाओं को कुछ देना चाहते हैं तो बस सम्मान दीजिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें हम खुद ही प्राप्त करने में सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।